बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन हमने स्टार्ट करना है, बेसिकली वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड टॉपिक को हमने आज उसका इंट्रो स्टार्ट करना है, ठीक है। बेसिकली जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है ना, जो कि किसी भी डिग्री के एंड पे दिया जाता है, जिसमें आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है और आपसे यूजर्स के लिए आप जो चीजें बना सकते हैं उस टॉपिक्स के ऊपर आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं और आपको प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज दी जाती हैं जो कि आपने कंप्लीट करना होता है। बेसिकली कोई भी सीएस का स्टूडेंट या आईटी का स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो प्रोग्रामिंग में या नेटवर्किंग में या किसी भी और स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करके या कुछ ना कुछ ऐसी चीज डेवलप करके आम यूजर्स के लिए चीजों को आसान से आसान कर सकता है, ठीक है। बेसिकली अभी भी जो जो सेशंस हम देंगे, इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सपोज एक प्रोजेक्ट कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम है या कोई प्रोजेक्ट ऑनलाइन बुकिंग कार है, ठीक है। ये बेसिकली आम यूजर्स के लिए, जो कि आम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो बेसिकली फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो सब्जेक्ट कंप्लीट होता है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के, जो कि बीएससीएस, बीएसआईटी, एमसीएस या एमआईटी के सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं। थ्रू आउट पूरे कोर्स में उन्होंने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग या इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो उन्होंने पढ़े होते हैं। तो एट द एंड ये प्रोग्रामिंग स्किल्स और इनके इनमें उन्होंने जो एल्गोरिदम्स पढ़े होते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो भी एक्सरसाइज की होती है, उनको कंप्लीटली आपने इंप्लीमेंट करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनानी होती है जो कि यूजर के लिए आसानी पैदा कर सके, ठीक है। वो जो भी काम मैनुअल हो रहा होता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर सके, ताकि डिस्टेंस पे बैठे हुए लोग जो है उन चीजों को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके और उनसे फायदा हासिल कर सके, ठीक है। या अपनी बुकिंग कर सके, या कोई खाने के लिए या ट्रेवल के लिए अपनी चीजें ऑनलाइन रिजर्व कर सके, ठीक है। इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स थी आज से कुछ साल पहले, जब ये वेब की या डिजिटल दुनिया इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी आम यूजर्स को। तो जब आपने प्रोजेक्ट डेवेल्प करना है एज अ सीएस स्टूडेंट, तो आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए कि आप एक आम यूजर के लिए आसानियां पैदा करें, ठीक है। तो बेसिकली जो हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कंपाइल्ड करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, इसमें चार मेन फेजेस होंगे, ठीक है। एसआरएस, डिजाइन डॉक्यूमेंट, और उसके बाद टेस्ट फेज और फाइनल डिलीवरेबल। बेसिकली एसआरएस एक थ्योरी असाइनमेंट होती है, इसका जो फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिप्शन होती है आपकी एप्लीकेशन, जो भी आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवेलप करोगे, उसकी जो मेन डिस्क्रिप्शन होगी ना, वो हम एसआरएस में डिफाइन करेंगे, ठीक है। उनकी जो अप्रोचबिलिटी है या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी एक प्रोजेक्ट का फेलियर हो सकता है उससे बचने के लिए हमें ये रिक्वायरमेंट्स अच्छे तरीके से कंज्यूम करनी होंगी, अच्छे तरीके से समझनी होंगी, ताकि हम स्टूडेंट तो यूजर्स को आसान से आसान ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए आसान से आसान प्रोडक्ट बना के दें, जिसके अंदर उसको चीजें समझने में आसानी हो। कोई अगर कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन सिस्टम, लॉगिन सिस्टम, उसको आसानी से समझ में आ सके। तो ये सारी चीजें हम रिक्वायरमेंट की जो सेक्शन में एसआरएस में गेन करते हैं, और एसआरएस में हम यूजर की जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उस एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो सारी हम एसआरएस में कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट सफिशियंट होते हैं, नेसेसरी होते हैं, जो कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए एज अ रिक्वायरमेंट हम इसको गेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट के उसको बनाना, क्या बनाना है, उसके बाद उसको कैसे बनाना है और उसके क्या डिजाइन होंगे, वो जरूरी होता है। सेम इसी तरह फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के अंदर भी एसआरएस जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद डिजाइन डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। डिजाइन डॉक्यूमेंट बेसिकली एक पूरा जो आपका प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर क्या डिजाइन हो रहे होते हैं, डिजाइन से मुराद ये नहीं कि उनका उसका सिर्फ इंटरफेस क्या होता है, बेसिकली उस डिजाइन के अंदर क्या डायग्राम्स यूज हो रहे हैं, ईआर डायग्राम्स यूज हो रही है, फंक्शनैलिटीज जो
भी चीज डिजाइन होती है, चाहे वो डेटाबेस है, चाहे उसकी रिक्वायरमेंट्स है, कोई भी चीज जिसको हम डिजाइन करेंगे, सिर्फ प्रोजेक्ट की इंटरफेस ही डिजाइन ही होती है, उसमें जुड़ी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशंस हो रही होती हैं, उनकी जो डायग्राम्स होती हैं, वो भी डिजाइन डॉक्यूमेंट में आती है। ठीक है, बेसिकली तो मैं आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ, इसको डीप डिटेल में मैं आपको लेके जाऊंगा कि डिजाइन डॉक्यूमेंट और एसआई डॉक्यूमेंट बेसिकली है क्या चीजें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद टेस्ट फेज हो जाता है। टेस्ट फेज में स्टूडेंट से जो है उसकी प्रोग्रामिंग स्किल की एबिलिटी चेक करने के लिए टेस्ट लिया जाता है, और किस तरीके से कोड को एनालाइज करते हैं, किस तरीके से कोड को फिक्स करते हैं, और किस तरह कोड लिखते हैं, वो सारी चीजें आपके टेस्ट फेज में आपसे चेक की जाती है। बेसिकली जो PHP MySQL से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, लेकिन आपका जो बेसिक स्टार्ट होता है HTML CSS JavaScript होता है, जो कि आपको पहले फाउंडेशन बनाकर देता है आपकी आपकी प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो टेस्ट फेज में बेसिकली इन शॉर्ट ये कि आपको प्रोग्रामिंग किस तरीके से लिखते हैं वो आपसे जज किया जाता है, आपके सुपरवाइजर के थ्रू आपकी एबिलिटी चेक की जाती है कि कितनी क्रिएटिविटी आपके कोड के अंदर आ चुकी है और किस तरीके से फंक्शनैलिटी आप कर सकते हो अपने कोड के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली एडिशनल मेजर्स होते हैं जो कि स्टूडेंट के जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर देते हैं। उसके बाद फाइनल डिलीवरेबल आते हैं। फाइनल डिलीवरेबल के अंदर चार मेन चीजें होती हैं, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका जो है वो कोड, और आपका उसके बाद आपकी जो फाइनल रिपोर्ट होती है। ठीक है, कोड के अंदर आपका बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन का जो कोड होता है, किसी भी एप्लीकेशन का कोड वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसके अंदर आप कंप्यूटर को हदायत देते हो कि कंप्यूटर ये चीज परफॉर्म कर दे। ठीक है, बेसिकली एक आम यूजर के लिए जो कंप्यूटर वो एक बड़ी लेटेस्ट और डेवलप्ड एक मशीन है जिसके अंदर आप आसानी से जो है वो आसानी से आप एक कम्युनिकेशन कर सकते हो थ्रू स्काइप, थ्रू फेसबुक, थ्रू जीमेल, आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके सेंड कर सकते हो, आप लोगों से डिस्टेंस के अंदर, चाहे दूसरे मुल्कों के अंदर, ब्राज़मों के अंदर आप बात कर सकते हो। एक आम यूजर के लिए जो आपका कंप्यूटर वो एक बड़ी लेटेस्ट चीज है, लेकिन एक जो आपका डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने 2+2 भी करना है तो आपको बताना पड़ता है अपने कंप्यूटर के अंदर कि ये असल में है क्या। ठीक है, 2 क्या है, ये इंटीजर है, वेरिएबल है, टेक्स्ट है, डेट है, क्या है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका होता है प्लस क्या है, ठीक है, ऑपरेंड क्या है, ऑपरेटर क्या है, ये सारा कुछ आपका जो है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। बेसिकली जो SRS होती है उसके 6 से 7 मेन जो है ना वो टॉपिक्स होते हैं जिनको हमने कंप्लीट करना होता है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट स्कोप आ जाते हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, यूज केस डायग्राम आ जाती है, और यूजेज सिनेरियो आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अडॉप्ट मेथोडोलॉजी आ जाती है। बेसिकली स्कोप क्या है कि जिस तरह हमने SRS में अभी देखा कि SRS बेसिकली एक रिक्वायरमेंट्स है जो कि हम यूजर से गेन करते हैं। ठीक है, वो गेन करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि प्रोजेक्ट का जो स्कोप है बेसिकली किस चीज को, वो किस टास्क को, क्या उसकी कॉस्ट होगी, क्या उसकी डेडलाइंस होगी, क्या हमारे गोल्स होंगे, ये चीजें सारी हम स्कोप में बेसिकली आम फहम जुबान में भी अगर हम स्कोप का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो स्कोप से मुराद ये होता है कि इस चीज का सिनेरियो कहाँ तक जाएगा, इस चीज को कहाँ तक हम लेकर जाएंगे। ठीक है, सपोज अगर हम कहते हैं कि ये फील्ड आप
पढ़ना स्टार्ट करते तो इसका बहुत स्कोप है, मतलब आईटी का बहुत स्कोप है या डॉक्टरशिप का बहुत स्कोप है, इस तरह की चीजों का बहुत स्कोप है। उसका मतलब ये होता है कि आपके कोर्स, आपके गोल्स, आपके डिलीवरेबल्स जो है इस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर आपको बहुत अच्छे आउटकम्स देंगे। यही चीज स्कोप के प्रोजेक्ट के अंदर होती है कि स्कोप जो है प्रोजेक्ट का वो ये बताता है कि टास्क कैसे कंप्लीट होंगे, कितनी इनके ऊपर कॉस्ट आएगी, इनके डिलीवरेबल्स क्या होंगे, इनकी डेडलाइंस क्या होंगी, क्या आपकी कंपनी जो ये सॉफ्टवेयर बना रही है क्या उसको भी ये फायदा होगा, क्या आपका जो यूजर है वो आपसे मुसलसल ये चीजें डेवलप करवाता रहेगा तो क्या उसके लिए कॉस्टली तो चीजें नहीं होती रहेंगी। ये सारा कुछ आपके स्कोप में आ जाता है, ठीक है। बेसिकली मुख्तसी ये कि उस चीज को ये जज करना कि ये कैसे स्टार्ट होगी, कहाँ तक स्टार्ट होगी, इसके लिए क्या क्या चीजें होगी, वो सारा कुछ स्कोप में आ जाएगा। फिर उसके बाद फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, बेसिकली थोड़ी टेक्निकल जो है वो टर्मिनोलॉजीज हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि टेक्निकल फंक्शनैलिटी के ऊपर बेस्ड कर रही होती हैं। सपोज अगर आपने कोई कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है तो उसके लिए दो यूजर्स होंगे, एक एडमिन होगा एक यूजर होगा। एडमिन का लॉगिन सिस्टम, एडमिन का साइनअप सिस्टम, एडमिन का जो है पूरा डैशबोर्ड, उसका इंटरफेस, उसकी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, कि मतलब उसके अंदर साइन अप सिस्टम होना चाहिए, ये एक फंक्शन अपने ऑपरेट करने, ठीक है। और जो वो है एडमिन है वो यूजर्स को ऐड कर सके, यूजर को डिलीट कर सके, अपडेट कर सके, रिकॉर्ड कर सके, ये उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। इसी तरह आपकी जो वो होंगी यूजर की साइड से, यूजर भी लॉग इन कर सकता है, यूजर कोई रिजर्वेशन कर सकता है, यूजर कोई टिकट रिजर्व कर सकता है, यूजर कोई चीज बुक कर सकता है, ये यूजर की रिक्वायरमेंट्स होगी। चाहे एडमिन का साइनअप और यूजर का साइनअप सेम नजर आ रहा है लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होंगी। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो होंगी वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहलाएंगी, ठीक है। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली एक क्राइटेरिया होता है कि किस तरीके से ऑपरेट करेगा आपका पूरे का पूरा एप्लीकेशन, मतलब उसका कलर स्कीम क्या होगा, उसके इंटरफेस क्या होंगे, उसके बटन्स कहाँ लगेंगे, कौन से वो सिस्टम के ऊपर चल सकेगा, किस तरह का उसके लिए सर्वर चाहिए होगा, ये सारी चीजें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाती है, ठीक है। बेसिकली अगर आपने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है अपने एंड्रॉयड ऐप के अंदर, तो उसके अंदर जो चीजें आप कर सकते हो, मतलब उसके अंदर लॉग इन कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो, वो सारी चीजें उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। बाकी आपका मोबाइल है किस कंपनी का, किस तरह का कलर है आपके मोबाइल का, या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है एंड्रॉयड के अंदर, तो वो सारा आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उनका टेक्निकल चीजों से कोई ताल्लुक नहीं, वो जैसी भी आपकी होंगी उसके अंदर वो चलने लग पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यूज केस डायग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट्स लेते वक्त हमने कुछ डायग्राम्स बनानी होती हैं जो कि हमें डायनामिक बिहेवियर बता रहे होती हैं अब पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का, ठीक है। यूज केस डायग्राम बेसिकली फंक्शनैलिटी होती है सिस्टम की जो कि एक्टर्स और जो यूज केसेस होते हैं उसके उसमें इंप्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आपके यूज केस डायग्राम्स कंप्लीट होती हैं, ठीक है, उसमें यूएमएल होती हैं, उसके अंदर फ्लो डायग्राम्स होती हैं, वो कंप्लीट करने के बाद आपको ये पता लगना शुरू हो जाता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपने अब थ्योरेटिकल चीजों को कंप्लीट करना शुरू कर दिया, अब आपने इनको प्रैक्टिकली कन्वर्ट कैसे करना है, आपने कैसे कोड को ठा के डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशंस करके किस तरीके से सिस्टम को चलाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यूजेज सिनेरियो। यूजेज सिनेरियो बेसिकली डिस्क्राइब करता है रियल वर्ल्ड एग्जांपल के हाउ वन और मोर टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद द सिस्टम। मिसाल के तौर पे हम पहले अगर खाना परचेज करते थे तो हम जाते थे कोई कन्वेंस लेके हम जाए मार्केट, मार्केट में हमने कोई चीज खरीदी, उसको पैसे दिए और फिर हम घर आ गए, ठीक है। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि वॉइस का कोई इशू है स्टूडेंट्स, मुनीब आपको आवाज आ रही है? बिलाल, मुनीब, अच्छा तो आवाज मोस्टली स्टूडेंट्स को आ रही है। मैं आपको बता रहा था यूजेज सिनेरियो, ठीक है। यूजेज सिनेरियो क्या करता है आपका जो यूजेज
यूजेस सिनेरियो बेसिकली आपको कोई एग्जांपल रियल वर्ल्ड में बताई जाती है कि सपोज हम एक खाना परचेज करने के लिए कन्विंसली हम मार्केट गए, मार्केट में कोई होटल हमने अच्छा सा देखा, वहां पे उसको पैसे दिए, उसे खाना लिया, घर आ गए, फिर हमने खाना शुरू कर दिया। ये तो था एक नॉर्मल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे शहर के मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए मैं एक आसानी पैदा करूँ, मैं उनको एक एप्लीकेशन दूँ जिसके थ्रू एक बंदा जो है वो डिलीवरी करे हर होटल की। मैं होटल के पास जाऊं, उनके साथ भी बात करूं और यूजर्स के साथ भी बात करूं। मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दूं एंड्रॉइड का प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है, कि मिसाल के तौर पे फैसलाबाद में एक अगर मोहल्ला है, ठीक है, सपोज एबीसी कोई मोहल्ला है, वो एक होटल से चीजें खरीदता है, तो उसको एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर सारी डिटेल्स हैं उस जगह पे कौन कौन सी डिशेस इस टाइम बन रही है, ठीक है, चाहे वो फास्ट फूड में है चाहे बारबेक्यू में, वो आप वहां से परचेज कर सकते हो। उसके अंदर आप इजी पैसा या पेपॉल की कॉन्फ़िगरेशंस करके उसके अंदर ही आप पैसे उनको या बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पैसे उनको फॉरवर्ड करोगे, वो ऑनलाइन डिलीवरी आपको घर दे देंगे, ठीक है। इसमें फिलहाल लेटेस्ट जो है वो इतना ही हुआ है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो के आम यूजर्स हैं वो कॉल करते हैं किसी भी होटल पर, वो होम डिलीवरी घर दे जाते हैं, लेकिन वहां पे आप चीजें कर सकते कि उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है आपके पास। मेरी तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि अपने माइक ऑफ रखें जिससे हमें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। यूजेस सिनेरियो में जितना मैंने आपको बता दिया कि हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल को कॉन्फ़िगर करते हैं, मैंने एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है, तो वो यूजेस सिनेरियो में आ जाएगा। मैं सारा उसके अंदर देखूंगा कि पहले जो चीजें कन्वेंशनली मतलब ट्रेडिशनल तौर पे हो रही है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, और फिर मैं इनको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। ये तो हो गया आपकी जो चार फेजेज है SRS। उसके बाद अडॉप्टमेंट मेथोडोलॉजी आती है। बेसिकली कोई भी प्रोसेस मॉडल जो है उसके अंदर दो तीन चीजें होती है, कॉम्बिनेशन होता है वाटरफॉल मॉडल का और स्पीरियल मेथोडोलॉजी का। इस मॉडल के अंदर हम ये अपनी करते हैं सारी तरीकेकार, हम चेक करते हैं कि किस तरीके से हमने पूरी की पूरी एप्लीकेशन को चलाना है। सपोज सबसे पहले आ जाती है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में हम प्लानिंग सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स और उसका वर्क प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस करते हैं कि इसमें रिस्क एनालिसिस क्या है, क्या हमारी जितनी कॉस्ट लग जानी है उससे मिनिमम रिस्क है, मतलब अब ये ना हो कि उस ऐप की जो मेरी पूरी की पूरी अगर सपोज 1 लाख उसके ऊपर मेरी कॉस्ट आ रही है और उससे मुझे अर्निंग जो है वो सिर्फ टोटल मिला के 10-15 हज़ार की वो मेरी सेल हो रही है, तो ये एक नेगेटिव रिस्क होगा, माइनस रिस्क एनालिसिस होगा। इसे पॉजिटिव रिस्क एनालिसिस करने के लिए मुझे सारा कुछ चेक करना पड़ेगा कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है और मुझे मिनिमम रिस्क रखना है अपना, ठीक है। तो ये सारी चीजें एनालिसिस में आ जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका डिजाइन और कोडिंग और टेस्टिंग, ठीक है। डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग तीन मेन चीजें, पहले आप हर चीज को डिजाइन कर लेते हो, जब डिजाइन डॉक्यूमेंट में करते हो उसके अंदर आप पूरी की पूरी डायग्राम्स बना लेते हो, लेकिन जब आप उसका इंटरफेस डिजाइन बनाते हो तो आप उसका ग्राफिकली किस तरीके से आपने बटन लगाने क्या चीजें करनी है वो डिजाइन के अंदर भी शामिल कर देते हो। फिर उसके बाद कोडिंग करना शुरू कर देते हो, सपोज आपने बटन का बनाया कि कोड कहाँ पे लगाना है, वहां पे आपने कोड लगा दिया, उसको कलर रेड ब्लू व्हाइट दे दिया, ठीक है, वो सारा आपका कोडिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और कोडिंग के अंदर फिर डेटाबेस के अंदर आपने कैसे कनेक्ट करना है और PHP जो है किस तरीके से डेटाबेस के अंदर आपका डाटा सेव करवा रहे होगी, ये सारा कुछ आपका कोडिंग के अंदर आ जाएगा। उसके बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग वो सारा सॉफ्टवेयर को चेक करेगी कि किस तरीके से आपका जो है वो आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो आपका किस तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या उसके अंदर कोई चीजें और चाहिए नहीं चाहिए, क्या उसके अंदर जो चीजें बन गई हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनी है, कोई चीज उसके अंदर एडिशन करने वाली है या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सेप्टेंस। क्लाइंट को आप वो चीजें प्रेजेंट कर देते हो, अपनी टेस्टिंग तो आपने कर ली, हो सकते हैं आपकी टेस्टिंग में या आपकी दूसरी टेस्टिंग में कोई डिफरेंस आ जाए। तो जो क्लाइंट का एवेल्युएशन है वो ये है कि उसने डिलीवरेबल के बाद देखना है कि जो उसको क्वांटिटी चाहिए थी या जो उसको क्वालिटी चाहिए थी क्या उसको मिल गई है, और अगर उसने फ्यूचर में जो उसको फ्यूचर में चीजें चाहिए प्रोसेस के थ्रू तो वो उसको मिल जाएंगी या नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये तो था SRS। उसके बाद डिजाइन डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। डिजाइन डॉक्यूमेंट बेसिकली पैटर्न्स होते हैं जो कि एनालिसिस करते हैं फेजेस के
डिजाइन फिर एक्चुअल में काम कहाँ पे हमारे आएगा, ठीक है। डिजाइन करने के बाद जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, जो आपका इम्प्लीमेंटेशन है प्रोजेक्ट की उसको क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मुख्त से ये कि आपका जो भी सीक्वेंसेस होंगे, जो भी आपकी क्लास डायग्राम्स होंगी, आपकी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स होंगी, आपकी आर्किटेक्चर डिजाइन डायग्राम्स होंगी, वो सारी की सारी आपकी डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर ही बनेगी, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर आपका जो डेटाबेस का डिजाइन है, उसका इंटरफेस आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसा बनाया है, उसका टेस्ट केस क्या होगा, ये सारी चीजें आपका इस डिजाइन डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें आ जाते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब हम बात करें सेकंड फेज की, जो कि डिजाइन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। डिजाइन डॉक्यूमेंट में जो सबसे पहले एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स है, एंटिटी बेसिकली जो भी आपका यूजर है उसको एंटिटी कहेंगे, और उसकी जो रिलेशनशिप है उनके दरमियान एक एंटिटी की दूसरी एंटिटी के साथ, वो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के जरिए हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाइड करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है क्या वो रिकॉग्नाइज कर रहा है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, मतलब क्या वो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे एडमिन का जो काम है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कंप्लीट करने के बाद आपका जो है वो शुरू हो जाता है सीक्वेंस डायग्राम्स। इसके नाम से जाहिर है कि जो सीक्वेंस आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर चलेगा, सपोज के क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है और किस तरीके से उसका बिहेवियर हमें नजर आ रहा है, ये सारी चीजें सीक्वेंस डायग्राम्स में हमें मिलेंगी और हमने इनको सीक्वेंस डायग्राम्स के अंदर बनाने, ठीक है। इसको हम इवन डायग्राम भी कह सकते हैं सीक्वेंस डायग्राम्स के अंदर। नाम से जाहिर है कि जो सीक्वेंस चल रहा होगा प्रोजेक्ट का, वो हम सारा कुछ एक डायग्राम्स की शक्ल में सीक्वेंस डायग्राम्स बनाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थ्योरेटिकली ये बेसिकली डायग्राम्स दिखती कैसे हैं और क्या इनकी ग्राफिकल किस तरीके की ये होती है सारी चीजें, SRS और डिजाइन, ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट जो है ना लेक्चर में करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको थ्योरेटिकली चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको नाम से, जब मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें इसमें दिखाऊं तो आपको पता चले कि नाम से चीजें क्या लगती हैं और जब आप इनको देखते हो वर्चुअली या फिजिकली तो ये कैसी लगती है, ठीक है। सीक्वेंस डायग्राम्स का मैंने आपको बता दिया कि कोई भी जो आपका प्रोसेस है वो ऑपरेटर किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, उसका क्या बिहेवियर होगा सिस्टम के अंदर, ये सीक्वेंस डायग्राम्स के अंदर हमें पता चलता है। आर्किटेक्चर डिजाइन डायग्राम्स क्या होती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं डेटा को लेयर्स की फॉर्म में। मिसाल के तौर पे आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर होगी, आपकी जो जो इंटरमीडिएट लेयर होगी और उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, उसकी मार्केट लेयर होगी, ठीक है। और किसी को जब आप प्रेजेंट करोगे तो उसकी प्रेजेंटेशन लेयर क्या होगी, ये सारा हमें आर्किटेक्चर डिजाइन डायग्राम में बनाते हैं। तकरीबन ज्यादातर ये 3 टाइप की लेयर्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास डायग्राम, बेसिकली आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस तो पढ़ी होंगी, उस पूरे पैराडाइम को हम किस तरीके से क्लास डायग्राम में, मतलब जो जो क्लासेस यूज हो रही होंगी ना, सपोज अगर एडमिन है, एडमिन का नाम है, उसके एट्रीब्यूट्स जितने भी हैं, नाम, उसका आईडी, उसका ईमेल एड्रेस, उसका यूजर नेम, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स होंगे और एडमिन खुद एक क्लास होगा, ठीक है। तो उसका दूसरे यूजर की क्लास के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, ये सारा कुछ हम क्लास डायग्राम, सारी हम क्लासेस लिख लेंगे और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा ऑपरेशंस के साथ क्लासेस का, ये सारा कुछ हम क्लास डायग्राम के अंदर बताएंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है डेटाबेस डिजाइन। बेसिकली जो डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस है ना, ये कंस्ट्रक्टिंग करता है डिटेल्ड डेटा मॉडल। मिसाल के तौर पे आपकी जो डेटाबेस काम कर रही हो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, वो किस तरीके से वर्किंग करेगी, क्या उसके लॉजिक्स होंगे, ठीक है, क्या उनके रिलेशनशिप्स होंगे, कि वन टू वन रिलेशनशिप होगा, वन टू मैनी रिलेशनशिप होगा, डेटाबेस के अंदर लॉजिकली कैसे डेटा सेव हो रहा है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या है। डेटा स्ट्रक्चर्स अगर आपने पढ़ी उसके अंदर आपको पता होगा कि किसी भी चीज को सेव करने का एक होता है, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो, चाहे वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में हो, प्राइमरी मेमोरी में हो, हर एक डाटा को सेव करने का एक प्रोसेस होता है। डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस जो है वो SRS के अंदर डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि डिजाइन डेटाबेस डिजाइन कैसा नजर आता है। उसके बाद इंटरफेस डिजाइन,
आपका जो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा आपके सॉफ्टवेयर का, चाहे वो वेब बेस्ड है, चाहे वो उसके अंदर बटन्स लगे हैं, साइड बार्स लगे हुए हैं, फुटर है, स्लाइडर है, मतलब जो एनिमेशन चल रही होती है, जैसे आप कोई वेब ओपन करते हो, चाहे व्यू की वेबसाइट ओपन करते हो, पीयू की करते हो, जीसी की करते हो, जैसे आप ओपन करते हो तो उनकी मेन जो है ना आपकी मेन जो साइट है उसके ऊपर वो शो हो रही होती है, ठीक है। इसी तरह टेस्ट केस है, टेस्ट केस बेसिकली कंडीशंस वेरिएबल्स होते हैं जो कि टेस्ट करते हैं कि जो भी आपने एप्लीकेशंस को की हैं क्या वो वर्किंग करेक्टली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो टेस्ट केस में टेस्ट एक पूरे का पूरा होता है जिसके अंदर हम कॉलम्स बनाते हैं और कॉलम्स के अंदर डिटेल लिखते हैं कि जब हमने साइन अप किया तो ये हुआ, लॉग इन किया तो ये हुआ, ठीक है। ये सारा टेस्ट केस के अंदर आ जाता है। उसके बाद जो थर्ड फेस होता है ना वो होता है आपका प्रोग्रामिंग का टेस्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपसे बेसिकली तो पीएचपी और एसक्यूएल का पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट बताना स्टूडेंट्स को इसलिए जरूरी होता है कि ये चीजें आपको आएंगी तीनों, तो उसके बाद आप पीएचपी में एसक्यूएल को बैक एंड पे चला सकोगे। फ्रंट एंड पे मार्कअप लैंग्वेजेस या प्रेजेंटेशन जो लैंग्वेजेस है या जो फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है वो यही तीनों है, ठीक है। ये जो पांच मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना ये आपके प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होंगी, इन पांच चीजों को आपने सीखना है तभी आप जो है ना एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को उसके ऊपर वर्किंग सीख सकते हो और किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये सारा कुछ आप इन लैंग्वेजेस के थ्रू ही सीखोगे, ठीक है। सबसे पहले जो है HTML है, ठीक है, स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट का मार्कअप बनाता है, कौन सा आपने टेक्स्ट कहाँ पे लिखना है, बोल्ड करना है, टैली करना है, ये सारी चीजें जो है ना वो आपके ब्राउजर के अंदर जो भी कंटेंट डिस्प्ले होगा जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इस्तेमाल करते हो, जितना भी कंटेंट मेंटेन करते हो, सीरीज बनाते हो, लेटर्स बनाते हो, वो सारी चीजें आप HTML को यूज करते हुए सेम वैसे ही आप अपने वेब ब्राउजर के अंदर शो कर सकते हो, तो वो सारा जो है ना आपका आपको बिल्कुल वैसा कंटेंट दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद मैं एग्जांपल देता होता हूँ अक्सर, लेकिन इसका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, आपकी जो भी माइक्रोसॉफ्ट आपका है ना ऑफिस वो वेब के साथ काफी इस तरह मुशाबत रखता है कि कंटेंट आप वहां पे भी लिखते हो, कंटेंट आप वेब पेज के अंदर भी लिखते हो। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टाइप करना शुरू कर देते हो, उसको बोल्ड करते हो, टैली करते हो, उसमें टेबल्स बनाते हो, उसके अंदर हेडर फुटर लगाते हो, स्लाइड्स लगाते हो, साइडों पे साइड बार लगा लेते हो, तो ये सारा कुछ आप HTML के अंदर कर सकते हो। बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मकसद ये है कि आप मार्कअप बना सको पूरे के पूरे वेब पेज का। इसी तरह जो केस कैटिंग स्टाइल शीट होती है ये आपकी प्रेजेंटेशन लेयर बनाती है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है आपकी जिस तरह पावर पॉइंट के अंदर आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, जिस तरह के ये भी अभी मैं आपके सामने पावर पॉइंट की स्लाइड को ना जिसमें आप साइड पे कोई ना कोई कलरफुल चीजें लगा सकते हो या कोई आप इस तरह की जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो चीजें कि जो आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो। बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर केस कैटिंग स्टाइल शीट बनाती है वेब पेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट होती है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। फंक्शनल ओरिएंटेड लेयर जो बनती है वो आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर बनती है। जावास्क्रिप्ट जो है आपकी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि फंक्शंस बनाती है, जैसे आपने बटन पे क्लिक करना है, बटन आपने बना दिया सीएसएस के अंदर, उसको कलर्स दे दिए, उसको बॉक्सेस दे दिए और उसके बाद एचटीएमएल के अंदर आपने उसका नाम लिख दिया, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर भी बन गई और उसकी मार्कअप लेयर भी बन गई। लेकिन उसको क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे होगा क्या, आपकी टेम्परेरी वेरिएबल्स कैसे जाएंगे, ठीक है, वो आपको पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शन जैसे आप ऑपरेट करोगे तो वो आपको नेक्स्ट बटन पे ले जाएगा या नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, तो ये जावास्क्रिप्ट करेगा, ठीक है। PHP हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये वेब डेवलपर्स को अलाउ करती है कि वो डायनामिक कंटेंट को इंटरेक्ट कर सके डेटाबेस के साथ। डेटाबेस जिस तरीके से आपकी सेव हो रही होती है आपके एक सर्वर के अंदर, वो PHP क्या करती है, आपके वेब पेज से डेटा फीच करती है, जो भी आप HTML CSS JavaScript के अंदर डेटा लिख रहे होते हैं और उस पर बटन क्लिक करते हैं JavaScript का, वो उठा कर देता है PHP को। PHP क्या करती है, वो फीच कर लेती है डेटा अपने अंदर टेम्परेरी तौर पर, फिर जाके डेटाबेस के अंदर सेव करवा देती है, ठीक है। तो PHP मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसी ने डेटा आपको उठा के वेब डेटाबेस में लेके जाना है। आपका प्रोजेक्ट कामयाब
में अभी तब होगा जब आपका डाटा आपकी डाटा बेसिस में सेव होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो कोई नाम हो, चाहे वो आईडी हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, ठीक है, ये सारा कुछ आपका पीएचपी के थ्रू ही जाएगा। उसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के नाम से जाहिर है कि जो भी आपकी क्यूरी लगेगी डेटाबेस के अंदर, चाहे आप कोई डाटा सिलेक्ट कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, वो सारा आपका स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर आएगा, ठीक है। इसके लिए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करते हो, उसके अंदर भी सेम चीजें क्यूरीज आप लगाते हो, लेकिन यहाँ पे हम MySQL करेंगे, PHP माई एडमिन जो है वो सर्वर इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारा जो है ना आपका रिलेशनल जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होगा, ठीक है। तो ये जो पांच चीजें, ये सारी की सारी आपने जब सीखनी है तो तभी आप अच्छा, तो आज के जो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया तीन फेजेस के बारे में, ठीक है, फर्स्ट SRS के बारे में, डिजाइन फेज के बारे में, और टेस्ट फेज के बारे में, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है। ये सारा जो है रिकॉर्ड भी हुआ, ये सारा अपलोड भी हो जाएगा, थ्रेटिकल ये सारा वर्क था। आपने अभी कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछने हैं, हमारे पास 5 मिनट है, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मुझे टेक्स्ट करें मैसेज जो भी है आपके। ठीक है, आज हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो लेक्चर के अंदर आपको जो फाइनल डिलीवरेबल है उसके ऊपर एक पूरा लेक्चर दूंगा, ठीक है, कि उसके अंदर रिपोर्ट क्या होती है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, और कोड को किस तरीके से आपने लिखना है और प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट लेक्चर पे आपको, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूंगा, और उसके बाद HTML को जो है हम इंट्रोडक्टरी स्टार्ट करेंगे कि HTML में प्रोग्रामिंग हमने करनी कैसे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सारा कुछ करवाऊंगा। बिलाल, जो हम करेंगे ना कोडिंग करेंगे, वो सारी कोडिंग आप समझोगे तो तभी आप जब अपना वाइवा दोगे इसके अंदर आप कोडिंग को एक्सप्लेन कर सकोगे, प्रेजेंटेशन कर सकोगे, ठीक है। अरसलान, जो रिकॉर्डेड है वो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वहां से आपको वीडियो चलना मिल जाएगी, चाहे वो हम गूगल ड्राइव पे करें या यूट्यूब के ऊपर करें। जी हसन, आपको जो है पूरे प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आज थ्रेटिकली हर चीज बता दी, ठीक है। प्रैक्टिकली भी हम स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर से। कल मैं आपको फाइनल डिलीवरेबल के ऊपर और HTML और CSS, HTML को किस तरीके से आपने चलाना है, इसके अंदर कैसे कोडिंग करनी है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब्दुल्ला, SQL बेसिकली स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, जो कि आपका जो क्यूरीज लगेंगी ना आपके प्रोजेक्ट के अंदर, मिसाल के तौर पे आपने कोई डाटा सिलेक्ट करना है, या कोई डाटा आपने डिलीट करना है, अपडेट करना है, रिकॉर्ड करना है, वो सारे का सारा जो है ना आपका स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेटाबेस की, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होती है, तो वो SQL कहलाती है। ये भी एक लैंग्वेज है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड, यानी कि स्ट्रक्चर करती है, क्यूरी चलाती है, जिसमें आपने सिलेक्ट, रिकॉर्ड, अपडेट, डिलीट कर सकते हो, और लैंग्वेज यानी कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। चलें, आज जो है मैंने तमाम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन किए, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी वो वीडियो देखेगा, ठीक है, और फिर मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।